सॉरी वहाँ पे हम वीडियो नहीं बना पाएंगे, उसने मना कर दिया है कि फोन लेके जाना रिस्की है। ओ? तो राफ्टिंग के उसमें शायद हाँ, वीडियो नहीं तो बन पाए। कोई नहीं ना, मैं वहाँ पे चलती हूँ ना। हाँ, जब हम स्टार्ट करेंगे तो वो उतना ही होगा। हाँ। है ना, ये क्या रस्सी बंधवा दी उसने बांधी है मेरी रिस्की। इन लोग की बस ये खड़ी हुई है। और क्या था, मैं एक्चुअली भीगा हुआ एस्ट्रोनॉट लग रहा हूँ इस समय पे। एस्ट्रोनॉट? भीगा हुआ एस्ट्रोनॉट। भीगा हुआ एस्ट्रोनॉट, वाओ, व्हाट अ टर्म। ओके, सो ऑल ऑफ देम आर गोइंग। आई एम थिंकिंग टू गो एंड क्लिक हिज पिक्चर्स, बिकॉज ऑब्वियसली बाद में बोलेंगे मेरे को मेरी फोटो नहीं मिली, ये है वो है। सो इट्स वेरी नाइस एक्चुअली, छोटे छोटे बच्चे इतने क्यूट लग रहे हैं ना। सो एवरी वन इज गोना डू, और मैं इनको फॉलो करूँगी। रेडी हो गई है राफ्टिंग के लिए, और यही ड्रेस पहन के हम लोग बस में जाएंगे। हाँ, और उतरेंगे पानी में और राफ्ट। ओके, राइट नाउ वी आर एट हिमेकावा रिवर, एंड इफ यू कैन सी, ठीक है, ये जा रहे बेचारे, मैं नहीं जा रही। ठीक है, देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है। दिस इज द रिवर, दे आर गोना स्टार्ट। आई डोंट नो वेयर इज पॉइंट बी। सो मैं यहाँ पेड़ की छाँव में खड़ी हुई हूँ, वेट कर रही हूँ कि ये लोग कब निकलेंगे। और ये देखो मेरे पीछे ये वादियाँ हैं। So here comes the first group. I'm not sure in which group he is, but yeah, exciting, right? Even I'm excited looking at them. See, they are simply jumping and you know screaming. Oh, nice, nice, super nice. They are waving. All the best. Bye bye. Yay. चार्जेस लेने चाहिए ना मुझे वीडियोग्राफी और फोटो के लिए। मैं भी सोच रही हूँ अच्छा कमा लूंगी, खर्चा बहुत हो रहा है यहाँ पे। ये देखो आई गेस इसी में है। इसी में ही है। Oh, this is so nice. See the current of the water. Oh my god. सिर्फ बच्चों को बोला है इसमें बैठने के लिए। अच्छा, पता नहीं यार, मैं सच्ची बताऊँ मैंने तो कभी किया नहीं है, ठीक है, तो मुझे इतना पता नहीं, बट हाँ देख के अच्छा लग रहा है। पर फिर भी मैं करूँगी नहीं। After some time, I'm going to my activity, whatever I have planned to do, and I guess 2:30 o'clock I have to go again wherever I have dropped him, and I'll get him, and it's very sunny also, so yeah, let's go. कैसा रहा एक्सपीरियंस राफ्टिंग का? राफ्टिंग का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। यहाँ पे 3 किलोमीटर की राफ्टिंग थी सिर्फ यहाँ पे, और मैंने एक बार पहले भी करी थी, बहुत टाइम पहले, बहुत साल पहले।
ऋषिकेश में? हाँ, शिवपौड़ी से लेके ऋषिकेश लक्ष्मण झूला तक वो 13 किलोमीटर तक। सो विच वन इज मोर डेंजरस, ये वाला था? आई थिंक ये वाली ज्यादा मोर डेंजरस है क्योंकि यहाँ पे पानी रुका हुआ पानी कहीं पे नहीं था, सब जगह पे राह की था, पूरा 3 किलोमीटर राह। तो आपको मजा आया फिर? हाँ? बहुत मजा आया। हाँ, और सबसे अच्छी चीज क्या जो मुझे लगी यहाँ पे, आपको पूरा का पूरा अपना स्विमिंग सूट टाइप का देते हैं, सारे इक्विपमेंट देते हैं, उसके बाद जब आपको करवा के लाते हैं यहाँ पे, इनका प्रॉपर एक रूम, मतलब कि एक बड़ा सा बाथरूम भी बना होता है जिसे ऑनसन यहाँ कहते हैं। आप वहाँ से राफ्टिंग करके वापस आओगे, फिर आप बढ़िया गर्म पानी से अपना नहाओ धो राफ्टिंग के बाद, ताकि आपकी टायर्डनेस सारी उतर जाए, सारी उतर जाए, इतना बढ़िया तैयार हो गए घर चले। सही है। ये जो चीज है वो शायद से इंडिया में नहीं मिलती है। चलिए ठीक है, सो थैंक यू अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। सो मैं तो ज्यादा कुछ की नहीं, जो भी कुछ मेरा प्लान था मैंने सब कैंसिल कर दिया और मैं होटल जाके सीधे सो गई। जब आप JR के स्टेशन पे उतरो ना, तो वहाँ पे ना ये स्टैंपिंग रखी रहती है, ये देखो, और आप ना अपने इसमें ट्रैवलर्स नोटबुक में ना स्टैम्प कर सकते हो कि आप इस स्टेशन पे आए थे। और ये देखो, ये है हकूबा स्टेशन का, वहाँ पे ना बहुत ही अच्छी चीज़ है, इट्स मोर लाइक अ सोविनियर। तो मैंने ऑलरेडी बहुत सारे ले रखे हैं, लेट्स सी इसका कैसे होता है ना। ओके, चेक कर लेती हूँ। अच्छे से आना चाहिए। ओके, 1 2 टडा, आ गया, उल्टा लग गया। अरे यार, ये देखो आ गया हकूबा का, अच्छा है ना।